इतना ज्यादा बकवास है कि मैं बोल नहीं सकती। एक घंटा हम लोग लाइन में वेट किए, उसके 5 मिनट भी वर्थ नहीं है। इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। तो अगर ऐसा कुछ रहेगा तो अंदर मत जाओ, सिर्फ फोटो निकालो और नेक्स्ट राइड पे चले जाओ, इतना ही बोल सकती हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम बैक विद अनदर ब्लॉग एंड आई होप ऑल ऑफ यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। मोस्ट अवेटेड ट्रैवल ब्लॉग इज हियर और एक दिन की ट्रिप है, मतलब शाम को हम रिटर्न आएंगे। और मेरी आंखें तो ऐसे है क्योंकि बहुत सालों बाद मैं इतने जल्दी उठती हूँ। लास्ट में क्लास जाने के लिए उठती थी वो, जो कि 12th में, तो अभी 2 साल बाद में उठी हूँ, इसलिए आंखों से ही पता चल रहा है कि नींद कंप्लीट नहीं हुई है। पर कोई नहीं, ट्रिप में नींद उड़ जाएगी। एंड मेरे साथ और मेरे 2-3 दोस्त हैं जो अभी तक आए नहीं है। एक ही ट्रेन है उधर जाने के लिए अभी 7:30 को, 7:15 इधर ही बज गए, तो पता नहीं क्योंकि बाद में ट्रेन नहीं है, डायरेक्ट 12:30 को है। सो हम वेट कर रहे हैं, तब तक मैंने इंट्रो स्टार्ट कर दिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो गाइज एंड आई होप यू विल एंजॉय वॉचिंग इट। थोड़ी देर बाद लोकेशन बताती हूँ। तो फाइनली अब हम पहुँच गए। सेम जब भी मेड वाली फीलिंग आई थी, इतना जोर से हम दौड़ रहे थे, अभी तक ट्रेन नहीं आई है। और मेरे 2 फ्रेंड है, एक तो ब्लॉग में नहीं आना चाहती और ये है दूसरी, और हम दोनों ट्रेनिंग कर रहे हैं सेम टू सेम। तो अभी हम निकल रहे हैं, ट्रेन अभी तक लेट है। 7:37 को यहाँ पे पहुँचे। बस हम पहुंच गए हैं, बहुत ज़्यादा लेट हुआ यहाँ आने के लिए, बट पार्क 11 बजे चालू होने वाला है। और ना फ्रेंड्स के साथ आती हूँ ना तो ऐसा ही होता है, ये आधा तो मेरा मजाक उड़ाते हैं और हंसते रहते, तो मुझे बात करने में ना ऐसा अलग लगता है। पर कोई नहीं, मैं सेट हो जाऊँगी। और जो खतरनाक वाली गर्दी है, ऐसा लग रहा है कि पूरी जनता इधर ही है। और ये रहे मेरे फ्रेंड्स, एक तो एकदम लीस्ट इंटरेस्टेड है और ये रही मेरी ट्विन। तो हम लोग यहाँ पे आने ही नहीं वाले थे, अलग जगह जाने वाले थे, पर एक है हमारे यहाँ जो है ना इमेजिका का चेयर पर्सन है, उसको इमेजिका ही आना था और वो दौड़ रहा है कैमरा देख के। और वो रोलर कोस्टर देखने के बाद बहुत फट चुकी है, पर ऐसा लग रहा है कि बंजी के सामने कुछ नहीं है, पर फिर भी डर तो लग रहा है बहुत ज्यादा। तो पहले ही हम रोलर कोस्टर पे जाने वाले हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है। एंड आई विल ट्राई टू शूट वीडियो, पर देखते हैं क्योंकि मुझे मेरा फोन भी जा रहा है, देखते हैं। और चिल्ला रहे हैं सब लोग कि नहीं जाना है करके, मतलब फोन वीडियो नहीं निकालना है जब जाएंगे तब, बट आई विल ट्राई टू क्योंकि मुझे चाहिए ये वीडियो। जो आवाज सुनाई दे रही है यहाँ नीचे आने के बाद, वो रोलर कोस्टर मतलब नाइट्रो के लिए बहुत ज्यादा फट रही है अब मेरी, बहुत मजा आने वाला है। और मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा वीडियो निकाला जा रहा है, मतलब ऐसा ट्रैवल ब्लॉग बन रहा है, ये एडवेंचर कम ट्रैवल ब्लॉग होने वाला है कोलाड के बाद।
यहाँ से मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ कि कैसे जाने वाले हूँ। ये है चेयरपर्सन इमेजिका का जो नहीं आना चाहता था वीडियो। तो अभी पास पास आते जा रहे हैं, वैसे धक धक हो रहा है और मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। मनस्वी, हाउ मच आर यू एक्साइटेड ऑन द स्टेज? मेरी पड़ गई है पूरी। और हमारा ऐसा प्लान है कि फर्स्ट सीट पे बैठना है फिर भी। और काश 360 कैमरा होता मेरे पास, बहुत ज्यादा मजा आता वीडियो निकालने के लिए। अब हम नीचे आ चुके हैं और एक्सपीरियंस क्या बताऊं आप लोगों को, कैसा लगा? बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। और जो फट रही थी गालियां वगैरह सब कुछ निकल रही थी, क्योंकि जब वो उल्टा होता है ना और नीचे जाता है पूरे हाइट से, बस खत्म, वहाँ पे खत्म हो गया था सब कुछ। बट मुझे बंजी से ज्यादा इसमें डर नहीं लगा, ये मैं ऑनेस्टली बता सकती हूँ, पर मजा इसमें ज्यादा आया। और ये मेरे 0 पॉइंट, इसके 1000 और इन दोनों के ये मेरे से तो एक भी नहीं लग रहा है, एक भी नहीं। थे अली बाबा का चोर ऐसे कुछ है यहाँ पे, इतना ज्यादा बकवास है कि मैं बोल नहीं सकती। एक घंटा हम लोग लाइन में वेट किए, उसके 5 मिनट भी वर्थ नहीं है। मेरा लास्ट तक, मतलब एकदम लास्ट तक पॉइंट्स 0 थे और इन लोग के 3000-4000 हुए, बट इतना कुछ वर्थ ही नहीं था, बहुत ज्यादा बकवास था। मैं बोल नहीं सकती, इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। तो अगर ऐसा कुछ रहेगा तो अंदर मत जाओ, सिर्फ फोटो निकालो और नेक्स्ट राइड पे चले जाओ, इतना ही बोल सकती हूँ। इतनी ज़्यादा भूख लगी है और गर्मी तो पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए मैंने ग्लासेस पहन लिए। तो इतनी ज़्यादा भूख लगी है, पर इन लोग को राइड की पड़ी है, राइड पे राइड करना है। अभी तो सिर्फ 2 ही कंप्लीट हुए हैं, वो बकवास वो शूटिंग वाला और नाइट्रो तो एक नंबर वन, वो तो वर्थ है मनी। पर खाने के लिए मैं आपको लाइन दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा है। बहुत ज्यादा लकी इंसान है क्योंकि इसको 2 गुलाब जामुन मिले और हम सबको 1-1। तो अभी खाना वगैरह सब कुछ हो चुका है और ये वॉशरूम इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैं बता नहीं सकती, एकदम पिक्चरेस्क है, तो मैं जिस तो नहीं दिखा सकती, बट अभी सब कुछ हो गया। ऐसा था कि लग रहा था कि हमें उठा के फेंक दे। मेरे क्लोथ अलग है ना इससे, हम लोग के भी अलग है। कंट्रोवर्सी कर मत अब।